इसलिए यहाँ पर भगवान ने कहा देखो तो एक ही काम करो, मेरे को अपना सर पर रख लो, देखना सारे बंधन तुम्हारी टूट जाएगी। जब उन्होंने सचमुच से ठाकुर जी को अपना सर पर रखा ना, हथकड़ी बड़ी अपने आप खुल गई, दरवाजा अपने आप खुल गया, पहरेदार अपने आप सो गए। श्री वसुदेव महाराज कृष्ण को लेकर के सर पर जा रहे, अनंत देव छत्री रूप में रक्षा कर रहे थे, रिमझिम बारिश ही हो रही थी। जब यमुना नदी आ गई, अभी यमुना नदी भी सोच रही थी प्रभु का चरण तो कम से कम स्पर्श कर लो, इतने में यमुना पानी उफनने लग गया। इतने में वसुदेव महाराज डर गए और कृष्ण को ऐसे हाथ में रखकर के ऊपर कर दिया, बोले भैया और कोई हो तो ले लो। इसलिए अभी भी एक ब्रज में गांव है, उसका नाम है कोले, ना उसका नाम कोले। ठाकुर जी पीछे से चरण बढ़ाया, यमुना के स्पर्श होते ही यमुना नदी नीचे उतर गई, जोग माया के सियार बन करके आई, सामने चल रही थी, बोली इतनी सी बाणी बस। उन्होंने पार करके उनको ले गए गोकुल में। देखो आज तक हम लोगों ने कथा सुनी कृष्ण कैसे मथुरा में प्रकट हुए, कल हम कथा सुनेंगे कृष्ण कैसे गोकुल में कैसे नंद के लाला बन करके आते ही, कहते ना नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, भगवान कैसे नंद के लाला बन करके आएगी और गोकुल में कैसे उत्सव होगा, हम कल गोकुल की उत्सव की कथा सुनेंगे। भैया ले आप देवों की वसुदेव को ले आप, हम लोग अपना हाथों में हो तो थोड़ा थोड़ा फूल ले लो, जब ठाकुर जी आएंगे ना थोड़ी सी उनको थोड़े से फूल देते रहना, थोड़ी ठाकुर जी ले ले, ले आओ कृष्ण लीजिए प्रभु, थोड़ा माफी चला उधर झमकर नहीं जाओ, उधर के संग नहीं आ कर दे जाओ, उनको ले आओ देवों की वसुदेव को। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जन्म लगी, कौन सा रंग की साड़ी पहन के आओगे, गुलाबी रंग के सब सब स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम
नाचेगा ना संसार में नाचना खत्म हो जाएगा। ओ सखी चंदन के गार लाला के चरण कलिया सखी चंदन के Thank you.
योगियों में नाचना नहीं पड़ता, इसलिए सभी हाथ से भय बधाई देंगे। सभी लोग नाचे।